वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इनको हम सेल के पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं दे हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। आउटर मेम्ब्रेन जो है पोरस होती है, अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो डीपली फोल्डेड रहती है। एक बार स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं। जैसा हमने बताया ये पावर हाउस होते हैं सेल के, तो इसका मतलब ये जो सेल की जो इनर मेम्ब्रेन है जो कि डीपली फोल्डेड रहती है, तो ये जो फोल्ड हैं दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। और हमने ये देखा है कि जो हमारी एनर्जी रिलीज वाले रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे ये आपका एटीपी सिंथेसिस, एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट वगैरह होता है। तो आप ये मान के चलो कि जितना भी हमारा एनर्जी रिलेटेड वर्क रहता है सेल के अंदर वो आपका कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे पहले मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसमें क्या बताया, इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर कवरिंग दो रहती हैं, ठीक है। एक आउटर कवरिंग है और जो इनर कवरिंग है उसमें क्या बताया, वो बहुत फोल्ड रहते हैं उसके ऊपर, है ना, बिल्कुल फोल्डेड रहती है। तो जितनी ज्यादा फोल्डेड होगी उसका मतलब क्या होगा कि उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा है तो मतलब जो केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जो सरफेस चाहिए वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा है। देखो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया, इनको हम सेल के पावर हाउस बोलते हैं। जो वेरियस केमिकल एक्टिविटीज को करने के लिए लाइफ की, जैसे बहुत सारी हमारी जो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हम ब्रीद कर रहे हैं, हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इन सब एक्टिविटीज में क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, यस। तो जो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज दैट आर नीडेड फॉर लाइफ, ये जो एनर्जी है मिलती कहाँ से है, दिस एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट मॉलिक्यूल। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, किसकी, सेल की एनर्जी करेंसी। जैसे अगर हम अपने इंडिया में हम मनी की करेंसी, जैसे हमारी रुपी है, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर जो एनर्जी की करेंसी है वो होती है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट मॉलिक्यूल। हमारी जो बॉडी है वो इस एनर्जी को यूज करती है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। यानी कि हमारी बॉडी को जितने भी वर्कआउट करना रहता है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सब के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, उस एटीपी स्टोर्ड फॉर्म को, एनर्जी की एटीपी स्टोर्ड फॉर्म को यूज करती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस That they have their own DNA। यानी कि सबसे खास बात क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA और राइबोसोम्स होता है। They have their own DNA and राइबोसोम्स। Therefore, mitochondria are able to make some of their own protein। क्योंकि DNA और राइबोसोम्स होने की वजह से ये जो है अपने प्रोटीन, मतलब सम कंटेंट ऑफ प्रोटीन दे मेक देयर ओन। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।